आठवडाभरानंतर वाडिया रुग्णालय पूर्ववत सुरू झालेलं आहे. काल मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये तोडगा निघाल्यानंतर हे रुग्णालय पुन्हा सुरू झालेलं आहे. या संबंधात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत वाडिया रुग्णालयाच्या CEO डॉक्टर मिनी बोधनवाल आहेत. मॅडम, किस तरह से अस्पताल सुरू आहे और कौन कौन सी सेवाएं जो स्थगित की गई थी अभी फिर से शुरू हो रही है? फिलहाल अभी तो अस्पताल फुल फ्लेज चालू है. जो इमरजेंसी क्रिटिकल सेवाएं स्थगित की गई थी और सिर्फ जनरल चालू था, तो वो सर्विसेज भी आज से चालू हो गई है. ओके. बहुत सारी जो सर्जरी जिस थे वो पोस्टपोन की गई थी, अभी उन पेशेंट्स को फिर से बुलाया जाएगा और किस तरह से ये जो ज़्यादा काम जो है वो किस तरह से आगे चलकर किया जाएगा? जैसा मटेरियल आ रहा है वैसे हम लोग वो पेशेंट्स को कॉल करके बुला रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स ओवर टाइम OT चला के ये गैप को क्लोज कर देंगे. उसके साथ ही जितना आपने राज्य सरकार और पालिकों को पेंडिंग कॉस्ट बताया था, रकम बताया था, उतना नहीं है. वो सिर्फ 46 करोड़ रुपये देने वाले है. तो जो आपने जो बताया था वो रकम मिलने वाली है? हाँ, मिलेगी और CM सर ने हमें आश्वासन दिया है. इसके साथ ही कमिटी बिठाई जाएगी वाडिया रुग्णालय की इरेगुलरिटीज पर, ऐसा कुछ है क्या? इरेगुलरिटीज पर नहीं, लेकिन 2-3 चीज जो ऐसे ऐसे ओपन कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है और कमिटी ऐसे कमिटी जैसे नहीं है वो. तो क्या क्या काम करेगी वो कमिटी? वो कमिटी खाली अगर 2-3 जो भी इश्यूज है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी रीडू करना है तो हम रीलुक करेंगे उसको, हम रीविजिट करेंगे वो एरियाज. फिर से एग्रीमेंट बनाया जाएगा आप तीनों के बीच वैसा? वो कुछ अभी डिसीशन नहीं हुआ है. तो पहले तरीके से जो पुराना एग्रीमेंट है उसी तरीके से शुरू रहेगा? हाँ, अभी तो फिलहाल पुराना एग्रीमेंट के हिसाब से ही चालू रहेगा ये अस्पताल. ओरिजिनल प्रशांत कोचरेकर, सर कृष्णा पाटिल, जी मीडिया, मुंबई.